दोस्तों नमस्कार। क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स तक बात की थी। आज के इस वीडियो में हम आगे के गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो वारन हेस्टिंग्स थे उनके बाद जो गवर्नर जनरल आए मैकफर्सन, उसको अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। वो इतने खास महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं लॉर्ड कार्नवालिस के। जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। वो दूसरी बार फिर से नियुक्त होकर आए 1805 ईस्वी में, लेकिन उस समय तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके जगह दूसरे गवर्नर जनरल नियुक्त होकर आते हैं। तो जो दूसरा कार्यकाल है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ये 1786 से 1793 तक का कार्यकाल है, इस कार्यकाल के बीच ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई और ये कार्नवालिस ने बहुत सारे ऐसे कार्य कराए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे ही जाते हैं और को याद रखना बहुत ही सरल है ट्रिक के जरिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग दो गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। बात तो तीन गवर्नर जनरल्स के बारे में करेंगे, लेकिन दो जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हम आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है, और उनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कार्नवालिस के ट्रिक के जरिए हम लोग याद रख सकते हैं कार्नवालिस के कार्यकाल में हुई गई महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। देखिए, अगर आप पीएससी क्लियर कर जाते हैं तो आपको, आप पीएससी क्लियर करेंगे, डीसी बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे, ठीक है, एक बड़े अधिकारी बनेंगे, तो आपको एक कार मिलेगी, ठीक है। तो कार से याद रखना है आपको कार्नवालिस और पीएससी से याद रखना है पीएससी, ठीक है। पी से पुलिस सेवा के जनक, ठीक है। एस से स्थायी बंदोबस्त, सी से सिविल सेवा के जनक, और सी से ही है कार्नवालिस कोड। तो ये पॉइंट याद रखना है, कार से कार्नवालिस आपको याद रहेगा, पीएससी कार कब मिलेगा जब पीएससी क्लियर करेंगे। तो पी से पुलिस सेवा का जनक, एस से स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लागू किए, सी से कार्नवालिस कोड और सी से ही सिविल सेवा के जनक। अब आइए डिटेल में जानते हैं ये है क्या। देखिए, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, पी से बताया पुलिस सेवा के जनक, ठीक है। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया, एक तो इनको कहा जाता है पुलिस सेवा के जनक, इन्होंने क्या किया, हर जिले में, मतलब प्रत्येक जिले में इन्होंने एक पुलिस थाना की स्थापना की और उसमें दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया। पहला काम ये है, ठीक है। दूसरा, सी से एस से स्थायी बंदोबस्त अभी आगे बात करेंगे, 1793 में जो लागू किया था। सी से सिविल सेवा के जनक कहा जाता है इनको, ठीक है, ये याद रख लेना। और कार्नवालिस कोड कुछ नहीं बल्कि जो उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसको व्यवस्थित करने के लिए एक नियम बनाए थे, मतलब एक नियमों का संग्रह बनाया गया था कार्नवालिस के द्वारा। इन्हीं नियमों के संग्रह को कार्नवालिस कोड कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग को कार्नवालिस कोड। लेकिन एक प्रश्न इससे ये भी बन सकता है कि इसके दोष या गुण क्या थे, तो गुण छोड़ दीजिए, दोष याद रखना है आपको कि कार्नवालिस कोड के दोष क्या थे। तो इसका एक दोष यह था कि कार्नवालिस ने उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं होने दिया, ठीक है। इस नियम, ऐसे नियम बनाए गए थे जिसमें जो उच्च पद थे, जो हाई पोस्ट थे, हाई कैटेगरी के जो पोस्ट थे, उन पर उन पोस्ट पर, उन पदों पर भारतीयों को वंचित कर दिया, ठीक है, ये याद रखना है। अब स्थायी बंदोबस्त जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। हम पढ़ तो लेते हैं स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में किसने, कार्नवालिस के कार्यकाल में हुआ, लेकिन होता क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब कंपनी का शासनकाल चल रहा था तो उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीन राज्यों के क्षेत्र की भूमि थी, ठीक है, ये तीन जो एरियाज थे, यहाँ जो भूमि थी उन पर टैक्स कलेक्शन करने के लिए, उन पे टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, कर्मचारी नियुक्त करते थे, मतलब बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त करते थे। अब उनके काम के लिए उनको पेमेंट देना पड़ता था। अब होता क्या था, देखिए, अगर मैं आपको एक फिक्स सैलरी के बेसिस पे रख लूँ, एम्प्लॉय कर लूँ, ठीक है, 10,000 रुपये आपको पर मंथ के लिए एम्प्लॉय कर लूँ, अब अगर आप 100% काम कर रहे हैं तो भी आपको 10,000 मिल रहे हैं। अगर आप 50% काम कर रहे हैं, मतलब उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, मेरे फेवर में आप काम नहीं कर रहे हैं, आप 50% ही काम कर रहे हैं, तो भी आपको 10,000 मिलेगा। तो आपको आसान क्या लगेगा, कि ज़्यादा मेहनत करूँ कि कम मेहनत करूँ? ऑब्वियस सी बात है, आप कम मेहनत करके 10,000 पाना चाहेंगे।
तो यही प्रॉब्लम्स उस समय कॉर्नवालिस को दिखी, ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसको दिखी। इन्होंने एक आसान उपाय निकाला कि क्यों ना जमींदारों को ये काम सौंप दिया जाए। तो इन्होंने एक कर्मचारियां सब ये बंद किए, ये काम स्थाई बंदोबस्त लागू कर दी। स्थाई बंदोबस्त के अलग अलग नाम है, लेकिन आपको स्थाई बंदोबस्त नाम याद रखना है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, नाम से ही क्लियर है। तो इसमें क्या किया गया, जो कृषकों की भूमि थी उसका मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया, ठीक है, जमींदार नियुक्त किए गए, जमींदारों को उसका मालिकाना हक दे दिया गया। अब कृषकों के पास, जो किसान थे, उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं थी, वो सिर्फ अपने खेत में काम करने जाते थे, ठीक है। अब शर्त क्या थी, जो भी टैक्स वसूल होगा उस भूमि से, जो भी टैक्स वसूल करके लाएंगे जमींदार, उसका 10/11 भाग, ठीक है, 10/11 भाग मतलब 10/11 पार्ट वो अंग्रेजों को देंगे, ठीक है, और मतलब लगभग लगभग 90% अंग्रेजों को देंगे, और 1/11 भाग मतलब 10% खुद रखेंगे। अब इससे होता क्या था, जमींदार को लगभग 10% उनके हिस्से में जा रहा है, तो ये कोशिश क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने की, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा किसानों से टैक्स वसूल लो, उनसे क्या कहा जाता है, उनको गिफ्ट गिफ्ट अलग अलग तरीके से गिफ्ट, किसी भी प्रकार से ज्यादा वो पैसे वसूलने की कोशिश करते थे, ठीक है। इसके परिणाम क्या हुए, देखो तीन परिणाम हुए। अंग्रेजों के लिए क्या बेनिफिट हुआ कि कर्मचारियों को भी जो पैसा देते थे, जो पेमेंट उन लोगों को पे करना पड़ता था, वो बंद हो गया, तो इससे पैसा बचने लगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कर्मचारी भी उतना ही टैक्स वसूल के ला के देते होंगे, जमींदार भी उतना ही ला के देते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जमींदार अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल के ला कर दें, ठीक है, तो इससे अंग्रेजों को राजस्व में फायदा होने लगा, ठीक है। अब जो पैसा बचा, जो कर्मचारियों को जो वेतन देते थे उससे वो जो पैसा बचा, और जमींदार रखने मतलब स्थायी बंदोबस्त लागू करने से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, उसको अंग्रेजों ने उद्योग अपने उद्योग पर लगाया, उद्योग पर इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, उद्योगों पर निवेश किया, तो इनसे उद्योग जो स्थायी बंदोबस्त पे थे, स्थायी बंदोबस्त, अच्छा ये बात कर रहे थे, उद्योगों पर उसने निवेश किया तो अंग्रेजों के जो उद्योग थे वो विकसित हुए, ठीक है। जमींदार इससे बहुत ही लाभान्वित हुए, उन लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो किसान थे उनको बहुत नुकसान हुआ। वो सिर्फ ये थे कि अपने सिर्फ काम करने जा रहे हैं, उनका कोई मालिकाना हक नहीं था उनके ज़मीनों पर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान लोगों को ही हुआ। तो ये था स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ तो उन लोगों ने देख ली। 1790 से 92 के बीच तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है जिसको, ठीक है। इसमें ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुई। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है कि आंग्लो मैसूर युद्ध कब कब हुआ, लेकिन जो पहला आंग्लो मैसूर युद्ध था वो मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ, दूसरा मंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ है, ठीक है। तो तीसरा युद्ध हम लोग, दूसरा युद्ध बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। जो तीसरा, इसको याद करने का एक तरीका है मामाश्री। पहला युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। चौथे युद्ध में कोई संधि नहीं होती क्योंकि टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल खत्म। अब आगे देखते हैं, इसके बाद सर जॉन शोर बन के आए गवर्नर जनरल। इसका कार्यकाल 93 से लेकर 98 है, 1793 से 98, 5 साल का कार्यकाल है। इसके कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, लेकिन बुक्स में दिए रहते कि इसने इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये हस्तक्षेप होता क्या है, देखिए अंग्रेज करते क्या थे, अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, स्थानीय राजाओं के बीच अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, दो लोगों के झगड़े के बीच तीसरा का फायदा जरूर जुड़ा होता है और वो दोनों का नुकसान ही होता है। अंग्रेज क्या करते थे, दो पक्षों में से जो कमजोर पक्ष रहता था अंग्रेज उसका साथ देते थे और वो उससे मदद लेने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे। अब अंग्रेज कमजोर पक्ष का मदद करके एक जो स्ट्रांग पार्टी रहती थी उसको हराते थे और अपने अपने शर्तों के अनुसार
उनसे काम करवाते थे। तो ये अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी रहती थी, ठीक है। तो जो जॉर्ज सॉरी जो सर जॉन शोर थे, उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके समय में मराठा और निज़ाम के बीच खालदा का युद्ध हुआ था। खैर, इसको याद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेजली, जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1798 से 1805 इसका शासनकाल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन्होंने सहायक संधि का उपयोग किया, ठीक है। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की इसने। लेकिन एक प्रश्न ये पूछता है कि भारत में पहली बार सहायक संधि का उपयोग या प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, तो ये चीज आपको याद रखना है। अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन? वेलेजली। लेकिन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी सहायक संधि होती क्या थी? अगर किसी राज्य ने सहायक संधि, अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो होता क्या था? जो अंग्रेजी सेना थे, उन सहायक संधि मतलब साफ साफ शब्दों में अगर इसको समझाया जाए तो उनकी सहायता करना, ठीक है। किससे सहायक करना? सहायता करना बाहरी आक्रमणों से। तो होता क्या था, अगर सहायक संधि किसी राज्य ने स्वीकार स्वीकार किया, तो अंग्रेज अपने सैनिक उनके राज्य में रखवाते थे, वो भी उन्हीं के खर्चे पर। अब इससे अंग्रेजों को फायदा दिखता था। अंग्रेज थोड़ा आगे की सोच कर चलते थे, और जो वहाँ के स्थानीय राजा थे, जो वहाँ के राज्य थे, जो सहायक संधि स्वीकार करते थे, वो वर्तमान का सोच कर चलते थे, और किसी को कोई भनक नहीं थी सिवाय अंग्रेज के कि ये इसका परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है। तो सहायक संधि स्वीकार करने के बाद होता क्या था, अंग्रेजी सेना उनके किले में, उनके राज्य में उनकी सुरक्षा के लिए रहती थी, आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा के लिए। अब होता क्या था, पूरा खर्चा उन राज्यों को ही उठाना था, जो सैनिक थे उनके पूरा खर्चा राज्यों को ही उठाना था। अब सैनिक अंग्रेजों के, खर्चा उन राज्यों का, लेकिन वफादारी अंग्रेजों की। तो जो राज्य थे, ऐसी कोई गतिविधियां नहीं कर पाते थे, ऐसा कोई भी एक्टिविटीज वो नहीं कर पाते थे जो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा पाए, ठीक है। तो अंग्रेजों का पूरा बेहतर मतलब ये सहायक संधि का बेहतर रूप से इस्तेमाल कर पा रहे थे, और इनको फायदा ही फायदा था, ठीक है। अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि इनके क्रमानुसार जमाइए कि किस किस राज्य ने सहायक संधि इस्तेमाल की, तो इसको एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। जैसे सहायक संधि करने वाले राज्य थे, मैं आपको पहले नाम बता दे रहा हूँ, उसका ट्रिक बताता हूँ। हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1804। उसके बाद अन्य सहायक संधि करने वाले कुछ कुछ राज्य थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने क्रम आपको याद रहने चाहिए। एग्जाम्स में इतने राज्य देने के बाद इनके क्रमानुसार जमाइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। हम ताजा हैं, आप बासी हैं। हम ताजा हैं, आप बासी हैं। ह से हैदराबाद 1798, म से मैसूर 1799, ठीक है। ताजा से तंजौर 1799 ही है। आप अ से अवध, ठीक है, 1801। प से पेशवा, ये भी 1801, ठीक है। आप बासी हैं, ब से बरार एवं भोसले, इन्होंने 1803 में किया था। और स से सिंधिया, ये 1804 में किए हैं, ठीक है। ये लाइन से आप देखिए, इनके जो सन है, कब कब किए, ये भी याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सब 1800 के आसपास है। 1798 में एक है, 1799 में दो है, 1801 में दो है, फिर 1803 और 1804। तो ईयर भी आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके शासनकाल में चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, और टीपू सुल्तान मारे गए इस युद्ध में, ठीक है। ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि लॉर्ड वेलेजली। हुआ क्या था, किसी गद्दार की वजह से सूचना मिली, और अंग्रेजों ने जहाँ जिस किले में, जिस महल में टीपू सुल्तान रुके हुए थे उन उसके किले को चारों तरफ से घेर लिया, उनके सारे सैनिक को मार दिए, ठीक है। और टीपू सुल्तान जब तलवार लेके बाहर उनको को मारने के लिए दौड़े, तब उनको गोली लगी और उनकी वहीं पे मृत्यु हुई। लॉर्ड वेलेजली जो थे, उन्होंने कलकत्ता में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। ठीक है, अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि स्थापना कराई थी, लेकिन किस लिए कराई थी। तो जी देखिए, जो नागरिक सेवा हम लोगों ने पढ़ी, सिविल सेवा के जनक किसको कहा जाता, कॉर्नवालिस। तो जो सिविल सेवा में जो व्यक्ति चुनकर आते थे, जो युवक भर्ती होकर आते थे, उन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें बहुत खर्च आता था, इतना एक्सपेंस आता था कि इसको अंग्रेज सरकार बियर नहीं कर पाई। ठीक है, तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया। ठीक है, हालांकि प्रस्ते हुए 1806 में इंग्लैंड में हेली बेरी, नाम याद रखना, हेली बेरिस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के बारे में एक बात और याद रखना है कि ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, बंगाल का शेर अपने आप को कहता था। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में फिर बनकर आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो बनकर आते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लॉर्ड वेलेजली तक के शासनकाल या कार्यकाल कहें, इतना तक कवर कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम तीन चार गवर्नर जनरल्स की और बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, इसको पहली बार आप पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो गवर्नर जनरल और उसके कार्यकाल याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसके कार्यकाल याद रखने में थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, थोड़ी सी दिक्कतें आती है याद रखने में, लेकिन आप एक बार जैसे मैंने बताया, इसके गैप को मोबाइल नंबर के थ्रू याद कर लिए, नाम को निमोनिक कोड के थ्रू याद कर लिए। ठीक है, और बाकी आप जो जो महत्वपूर्ण घटना हुआ उसके उसके उसका समय या उसके जो घटना का जो सन है वो आप याद कर लेंगे। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप इस टाइप के प्रश्न, जो इस एरिया से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।